मैम, आज आप एक प्रोग्राम में अटेंड किए, आज पहली बार आपको सुना गया इतने प्यार से कि आप उर्दू में आपके कमांड भी इतने अच्छे हैं। अच्छा। तो ये आपको कहाँ से सीख मिली मैम उर्दू की? सर, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी है और उनके साथ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलना जुलना होता है, प्यार से मिलना जुलना होता है, तो बस वहीं से कहीं ना कहीं ज़बान पे उतर आया है। मैम, अगर राजनीति भी देखा जाए तो एक जो हमारी साउथ मुंबई की राजनीति है वो बहुत अलग है, उसमें हिंदू मुस्लिम में कोई तोल मोल नहीं होता है, पर जब देश भर की बात करें तो इलेक्शन लड़ाई जाता है हिंदू मुस्लिम पे, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं उस चीज़ में कुछ कहना चाहूँगी नहीं, लेकिन मैं एक सोचती हूँ कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ उस पार्टी का अगर कोई मजहब है तो इंसानियत है। और मैम, एक आखिरी सवाल, आज हमने सुना यूसुफ माचिस वाला, यूसुफ अबरानी, और एक नया नाम पहली बार सुनने आया, यूसुफ खान, ये नाम किसका है? क्योंकि यशवंत यादव सर है जो मेरे हस्बैंड हैं और वो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, बहुत अच्छी शायरी कर लेते हैं, तो बस प्यार से मैंने उनको यूसुफ खान बोलना चाहिए। आपको नहीं लगता है बम्बई के लिए ब्रेकिंग हो गया यशवंत खान को उनकी वाइफ यूसुफ खान के नाम? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये प्यार की बात है और पहली बात तो ये बस मजाक है जो उनके साथ में कभी कभी कर लिया। आपको पसंद आता है जब वो उर्दू पढ़ते हैं? ज़रूर, कोई भी अगर जबान है, मैं हर जबान का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, भरे मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज है, ये मुझे हर लैंग्वेज माँ समान है और मैं सबका रिस्पेक्ट। एक आखिरी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, क्या ये जो हिंदू मुसलमान के मजहब के नाम पे होता है या झगड़े लगाए जाने की कोशिश या इलेक्शन, तो इस पर आप लोगों को क्या इनायत देना चाहोगे? मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान ने आपको दिमाग दिया है और कोई इंसान किसी इंसान के खिलाफ नहीं होता, तो ये दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो क्या सच है, क्या गलत है और क्या अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू।